नारों को सुनकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि जदयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह पहुंचे पीरपैंती में, जिनका की स्वागत जदयू कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद गुप्ता के। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में चुनावी संग्राम को लेकर जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं की कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आरसीपी सिंह जो हैं जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो इस वक्त झारखंड महागामा में जाकर जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे और चुनावी कैंपेनिंग की भी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता जी पीरपैंती से मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने साधु मठिया पर रिसीव किया वहाँ पर हीरानंद मोड़ के पास, किस तरीके का कार्यक्रम है ये पूरा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। और जो कार्यकर्ताओं में जोश आप देख रहे हैं और जितने अनुशासन में आपके कार्यकर्ता मुझे दिखे वहाँ पर माला लेकर जो है बिल्कुल लाइन में लगे हुए कार्यकर्ता हमें दिखे, इस तरह से बहुत कम ही पार्टी में कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं। सर, क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं के बारे में और अपने नेताजी के बारे में? धन्यवाद। सबसे मैं पहले अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे कि कम समय में हमारे कार्यकर्ता, चूँकि हम लोग को रात में जानकारी हुई कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं परम आदरणीय आरसीपी सिंह जी, वो आ रहे हैं। चूँकि उनको जाना था महागामा विधानसभा का दौरा करने के लिए, चुनाव कुछ दिन आगे होने वाला है वहाँ, उसी के कैंपेन के लिए आज शुरुआत की है महागामा विधानसभा। तो रात में कहलगांव मानसरोवर में ठहरे हुए थे, हम लोग भी उनके साथ थे। तो हमारे पीरपैंती के होकर ही उनका रूट बना था, तो हम लोगों ने साधु मठिया पर उनका स्वागत किया, चूँकि हमारे सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री के बाद। तो और हम लोगों को आज बहुत खुशी हुआ कि ये पहली बार हमारे राष्ट्रीय महासचिव आज पीरपैंती के धरती पर आए। अपने अनुशासित कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहेंगे आज? मैं बता देना चाहता हूँ कि जदयू के जो भी कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार में, वो अनुशासन में रहते हैं और खासकर पीरपैंती के कार्यकर्ता काफ़ी अनुशासित हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे, झारखंड में जेडीयू जो है इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए दम भर रही है, लगातार नेता कह रहे हैं कि झारखंड में जो हमारे सबसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं उनको सही तरीके से परख के वो लोग वहाँ पे एक विकल्प देने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि जो मुद्दे नीतीश कुमार के बिहार में सक्सेसफुल हुए, जेडीयू झारखंड में भी उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएगी इस वक्त चुनाव में? हाँ, निश्चित निश्चित, जो बिहार में जो हम लोग का नीतीश कुमार का है कि न्याय के साथ विकास, वही रास्ते पर झारखंड में भी चलेंगे। तो झारखंड में इस बार आप लोग जो है पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा पार्टी परफॉर्मेंस करेंगे? निश्चित निश्चित। चलिए इनसे पूछते हैं। सर, इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर, क्या नाम हुआ सर आपका और किस पर? एक्स मेंबर महादलित कमीशन बिहार सरकार। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह आज यहाँ पे आए हुए हैं, चुनावी कैंपेन झारखंड में भी शुरू हो जाएगा, एक तरीके से शुरू हो गया है क्योंकि लगातार जदयू के हम वहाँ पे जब घूम रहे थे तो कार्यकर्ताओं को भी देखा कि वो कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, चुनावी मोड में झारखंड जो है वो आ चुका है, कुछ ही दिनों में वहाँ पे इलेक्शन के नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। एक बात हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों जो जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने लगातार काम किया, झारखंड में आपके हिसाब से क्या मुद्दा वहां पे सटीक रहेगा, किस किस मुद्दों के साथ जो है पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी जेडीयू को जहां तक बात है? देखिए, ऐसा है कि एक नेता एक निशान है और जो पार्टी का जो अपना मैनिफेस्टो है या उनका नारा है विकास, न्याय के साथ विकास, तो न्याय और विकास ये दोनों जनता और समाज का पूरक है, इसलिए चाहे वो झारखंड हो या विकास हो, एक ही बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जो आम जनता के दिलों और दिमाग में छा गया है, वो पूरे देश में कहीं भी मतलब कि मुझे लगता है नीतीश कुमार एक्सेप्टेंस है जनता के बीच में, तो झारखंड में विकास का मुद्दा ही रहेगा। जो बिहार में बरसों बरस के बाद आप देखिएगा तो किसी भी क्षेत्र में उठा के देखिएगा, चाहे स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में तो अमूलचूल और ऐतिहासिक विकास हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले जो आगामी विधानसभा का चुनाव है झारखंड में, वहाँ भी नीतीश कुमार जी का और हमारा जनता दल यूनाइटेड का वो विकास ही मुद्दा होगा। पीरपैंती से आप लोग
जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम पूछते हैं। पीरपैंती से आप लोग जुड़े हुए हैं, पीरपैंती इस बार जो है भीषण बाढ़ की चपेट में भी है, और अब पानी जब कम हो जाएगा महामारी फैलने का भी डर रहेगा, तो आप लोग आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं इस वक्त? हमारे कार्यकर्ता मैंने कि यह एक मानवीय भावना को आप देखिए, कार्यकर्ता चाहे वो आम आदमी ही क्यों ना हो, मानवीय मूल्यों के आधार पर सबको सेवा भावना से ऐसे बाढ़ पीड़ित में सभी लोगों को तन मन धन से सेवा करना चाहिए। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार आप देख लीजिए कि चाहे वो राशन का शिविर का मामला हो, खाना पीना या फिर चिकित्सा का मामला हो, रेफरल अस्पताल के माध्यम से दवाई की व्यवस्था की गई है, और कई संस्था के माध्यम से भी मानवीय के आधार पर सब लगातार सेवा चालू है। और हम लोग ने भी सोचा है कि जब जब जनता को जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग रात दिन हम लोग खड़े रहेंगे। आपको लगता है कि बाढ़ राहत पहुंचाने में भी कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आपको लग रहा है इस वक्त यहां पे? देखिए ऐसा है कि अब कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं ये तो अभी तक तो हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कुछ होंगे या करते होंगे तो वो तो सार्वजनिक तरीके से भी हम उसको मैसेज देना चाहेंगे कि मानवीय मूल्य और सेवा के मामले में किसी प्रकार का राजनीति कभी समाज कबूल नहीं करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से जदयू कार्यकर्ता, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पीरपैंती के लगातार ये कह रहे हैं कि झारखंड में भी जदयू मजबूती के साथ जो है उपलब्ध रहेगी, मौजूद रहेगी। वहाँ के चुनावी संग्राम में कमर कस चुका है, महाभारत छिड़ चुका है, वहाँ का चुनावी संग्राम की हर कवरेज हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगले दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।